नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अपना खूब खूब ध्यान रखोगे। तो ना दोस्तों, मैं अभी ये ना अभी अभी ताज़ा ताज़ा कद्दू आया था, तो मैं उसी की छौंक के सब्ज़ी बना दे रही हूँ। और कद्दू की मतलब खींचा खींचा मतलब सब्ज़ी ना बहुत अच्छा लगता है, मीठा मीठा लगता है, बहुत टेस्टी भी लगता है। तो ऐसे हम लोग ना अभी गर्मियों का दिन है तो यही सब बनाते हैं। और ये एकदम बड़ा सा कद्दू था, लेकिन अभी देखिएगा एकदम थोड़ा सा सब्ज़ी हो जाएगा, ज़्यादा सब्ज़ी नहीं होता क्योंकि ये गल जाता है। नमक वगैरह भी मैंने कुछ नहीं डाला है, तो अभी मैं नमक, हल्दी और थोड़े मोड़े हल्के फुल्के मसाले, ज़्यादा मसाला मैं कद्दू में नहीं डालती क्योंकि ऐसे ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी टेस्टी। और आज मैं सिर्फ ऐसे ही बना रही हूँ, नहीं तो कभी कभी चना दाल डाल के बनाती हूँ, वो भी ठीक लगता है। तो आज फ़िलहाल ऐसे ही बना रही हूँ और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और मतलब ये देखिए कितना थोड़ा सा हो गया कद्दू की सब्ज़ी। और बस ये ना ऐसे ही मतलब नाश्ते के लिए हो जाएगा। और इसके लिए मैं अभी कुछ और भी बनाऊँगी नाश्ता खाना। और आज मैंने ना बहुत कुछ बना डाला है, तो ये देखिए कद्दू की सब्ज़ी मेरी तैयार हो गई। और उसके बाद मैं बना रही हूँ, प्याज मैंने काटा है, तो उसके बाद मैं बना रही हूँ चना का घुघनी। तो बच्चे लोग बहुत दिनों से बोल रहे थे चना का घुघनी खाने के लिए, तो इसके साथ नई लोग मूढ़ी बहुत पसंद करते हैं, तो हम लोग रोटी भी खा लेते हैं और ये घुघनी भी खा लेते हैं। तो बस मैं ना सुबह से लगी पड़ी हूँ आज, ये क्या कहते हैं, ये बहुत दिनों से नई लोग ना इन लोगों को बहुत मतलब कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो इन लोगों को तो घुघनी पसंद ही है तो बना ही देती हूँ बच्चे लोगों को। और इन लोग का भी कभी कभी होता है ना कि मन से और टेस्टी टेस्टी खाना, खाना पीना तो रोज़ एक ही टाइप मतलब जैसे होता दाल चावल रोज़ एक खाते ही खाते हैं, तो कभी कभी थोड़ा सा अलग भी हो जाता है ना, तो थोड़ा मुँह का स्वाद भी बदल जाता है दोस्तों। तो एक ही तरह का खाना खाते खाते कभी कभी बोरियत हो जाता है, इसीलिए तो बस मैं ना चना का घुघनी बना रही हूँ और भी कुछ बनाई हूँ। तो सारा वीडियो तो बनाना मुश्किल है, तो लंबा वीडियो भी हो जाता है बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैं ज़्यादा मतलब सबका वीडियो नहीं बना पाई, जो मैं दिखा पाई थोड़ा बहुत वो दिखाती हूँ। और भी मैं कुछ बनाई थी तो उसका वीडियो नहीं बनाई थी, तो बस वो दिखा दूँगी कि क्या बनाई हूँ, ये तो दिखा ही दूँगी। और इसमें मैंने चना डाल दिया है और इसे भून लूँगी अच्छी तरह से। और इसे जितना भूनिएगा ना, पहले मैं इसीलिए कढ़ाई में मसाला भून लेती हूँ, कुकर में ना अच्छे से भूनने में बनता नहीं है। और इसे अच्छे से भून लेती हूँ टमाटर वगैरह डाल के, और अच्छे से भूनने के बाद मतलब जब एकदम तेल छोड़ने लगता है ना, उसके बाद थोड़ा ढक ढक के मैं भूनती हूँ, नहीं तो मसाले का सेंट सारा चला जाता है। और ये देखिए मैं इसमें मतलब फिर कुकर में मैंने डाल दिया है और सीटी लगा दे रही हूँ जैसे, तो ये देखिए कितना मतलब कि। और फिर इसके साथ ना हम लोग मूढ़ी मतलब हम लोग बहुत पसंद आता है, तो एक बार रोटी भी खा लो इसके साथ, रोटी भी खा लो, पराठे भी खा लो, मूढ़ी भी खा लो, तो हम लोगों ना मूढ़ी और पराठे ये सब दोनों पसंद है, चावल भी इसके साथ अच्छा लगता है। तो देखते हैं क्या मतलब क्या बनाती हूँ, बच्चे लोग तो मूढ़ी ही खाएंगे, और मूढ़ी है घर में, तो वो मूढ़ी जो होता है ना आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, हम लोग की तरफ तो मूढ़ी ही बोलते हैं, और बंगाली स्टाइल में मूढ़ी और घुघनी खाया जाता है बहुत ही। और ये देखिए मैंने क्या क्या बना दिया है, तो कद्दू की सब्जी सिंपल वाली बनाया है ये देखिए, और खीर भी बनाया था तो उसकी रेसिपी मैंने नहीं डाला है, और रोटी भी बनाया है। और आज क्या खास दिन है दोस्तों कि मैं इतनी सारी चीज़ें इतनी तैयारी कर रही हूँ, तो कोई बात नहीं है, बस कभी कभी मन कर जाता है तो बना लेते हैं। सुबह से मैं उठी थी और चार बजे से उठी थी, सारा काम निपट गया और मेरे पास टाइम भी था, तो मैंने सोचा चलो बना देते हैं। और गर्मियों का मौसम है तो आम तो घर में रहता ही रहता है, तो आम भी है, और मैंने अभी खीरा नहीं काटा है तो खीरा भी अभी सैलेड भी करूँगी। और बस आ जाइए दोस्तों, आप लोग भी एकदम गर्मा गर्म और टेस्टी टेस्टी खाना है, और गर्मियों के हिसाब किताब से ही खाना है। और उसके बाद मैंने बैठा दिया है दाल चावल, तो नाश्ता वगैरह तो पूरा हैवी हो गया था, तो दाल चावल खाना में दाल चावल ही होगा और कद्दू वाली सब्जी भी है, तो घुघनी सबको ही खाया है नाश्ता में। और अभी घुघनी है भी, मैं जब भी बनाती हूँ ना तो थोड़ा सा ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि सब लोग मतलब दाल चावल के साथ भी खा ले और ऐसे भी खा ले, तो बस मेरा दाल बन रहा है, चावल, घुघनी और कद्दू की सब्जी सब मिला जुला के हम लोग खा लेंगे। ये देखिए दाल है,
और घुगनी है और कद्दू वाली सब्जी और खीरा है। तो बस आ जाइए दोस्तों, आप लोग भी एकदम गर्मा गर्म खाना है। और बस खाना तैयार हो गया है और टेस्टी टेस्टी खाना है, क्योंकि सिंपल सा है गर्मियों के हिसाब किताब से, और खाना ऐसे ही अच्छा लगता है। और बस अभी ना दोस्तों हम लोग आए थे, ये थोड़ा पहले का मतलब ये वीडियो है दोस्तों, तो मतलब ये वाला वीडियो मैं डाल नहीं पाई थी, तो इसीलिए जब मैं वहाँ से आई थी ना उसके बाद का ही ये वीडियो है। तो उस मतलब उसके कुछ दिनों के बाद का, यानी कि तुरंत बाद का है। तो अभी साफ सफाई घर में थोड़ा बहुत करके मतलब करना ही पड़ता है, तो उसी टाइम का मतलब वीडियो है। और फिर मैंने डब्बे वगैरह भी धोए थे, तो पता ही है कहीं जाने से और क्या सोचा था और क्या हो गया, क्योंकि मैं ना सब साफ़ सुथरा करके गई थी और कुछ ही दिन में इतना ज़्यादा घर गंदा हो गया था ना, और डब्बे वगैरह सारे गंदे हो गए थे। तो राशन वगैरह सब तो था ही, कुछ राशन ख़त्म हुआ था, तो मैं ये सब डब्बे वगैरह धोई थी, तो मैंने सोचा चलो इसमें सारे मतलब जो सामान है ना खाली कर देती हूँ, तो वही मैं खाली कर दे रही हूँ। ये देखिए दाल मैं डाल दे रही हूँ, लाल मिर्च मैंने मंगाया था, जैसे तड़का उड़का लगाने के लिए लाल मिर्च डालती हूँ, नहीं तो हरी मिर्च ज़्यादा यूज़ करती हूँ दोस्तों। और ना पूरा गंदा हो गया था, जाले भी पड़ गए थे, और चूहा लोग का मतलब बताया था कि चूहा लोग घुस जाता है, तो चूहा लोग भी बहुत मतलब बहुत ज़्यादा गंद मचाए थे घर में, गंदगी कर दिया था, और उन लोगों तो कोई रोक ही नहीं सकता है। तो बस इवनिंग दोस्तों, तो अभी है शाम का टाइम और शाम के अभी बज गए होंगे मतलब 6:30 या 7 बज रहे हों दोस्तों। और मैं ना अपना ससुराल से आ गई हूँ, और ससुराल से आने के बाद ना वीडियो वगैरह ज़्यादा मैं नहीं बनाई हूँ, क्योंकि मतलब घर का हालत इतना ज़्यादा बुरा था कि मैं ना वीडियो बनाना भूल ही गई, साफ़ सफाई के मतलब लग गई थी, तो वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाया दोस्तों। और मतलब एकदम कहीं भी जाओ, थोड़े दिन के लिए भी जाओ ना, तो पूरे घर में मतलब गंदगी धूल वगैरह पूरा हो गया था। और मतलब कि मेरा तो जाने का उतना ये नहीं था, लेकिन हम लोग गए थे और फिर उसके बाद कितना एक हफ़्ता हम लोग रहे होंगे, उससे ज़्यादा नहीं रहे होंगे। और एक हफ़्ता मेरा घर का हालत बहुत ज़्यादा बुरा था, और फ्रिज भी बंद पड़ा हुआ था, बंद हम लोग करके गए थे, क्योंकि कभी भी यहाँ ना लाइट कम बेसी मतलब किसी तरह से भी हो जाता है, तो फ्रिज मतलब जलने वलने का डर रहता है, इसीलिए फिर हम लोग फ्रिज भी बंद करके गए थे। और घर रूम भी सारा बंद था, लेकिन फिर भी धूल मिट्टी और मतलब थोड़ा मोड़े जाले वगैरह पड़े हुए थे, तो थोड़ा मोड़ा जाला हम लोग निकाले हैं, और मतलब सारा निकाल दिए हैं, थोड़ा मोड़ा बाकी होगा कहीं पे तो नहीं मतलब देख के अभी। और पूरा घर पहले तो मतलब झाड़ना, फिर कपड़े इतना ज़्यादा हो गए थे, आप लोग तो समझ सकते हो कहीं से आओ ना तो सबसे ज़्यादा तो कपड़े, और इतना गर्मी लग रहा है ना कि अभी कोई भी काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया दोस्तों। लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके मैं कपड़े धोऊंगी, अभी कपड़े मैंने सारे नहीं धोए हैं, और बस फिर उसके बाद थोड़े थोड़े करके धो लूँगी। और घर तो फ्रिज तो मतलब जब मैं आई ना उसी टाइम मतलब फ्रिज धो ली हूँ, और उसके अगले दिन मैं अभी आप लोगों को मतलब ये कर रही हूँ, बता रही हूँ, फ्रिज के बिना तो हो नहीं सकता है, क्योंकि उसमें खाना पीना रखा जाता है तो उसे तो साफ़ करना ही पड़ेगा। तो फ्रिज मैंने साफ़ किया, पूरा धो दिया था फ्रिज को अच्छे से एकदम डीप क्लीनिंग, और फिर उसके बाद ये क्या बोलते हैं फ्रिज धोया, फिर उसके बाद ये क्या करते हैं पूरा घर धोया, फिर किचन पूरा धोया, किचन का गैस वैस सारा धोया, क्योंकि कॉकरोच वगैरह रहते हैं, और फिर बर्तन वर्तन जितना खाना सब धोया था सारा कुछ। तो बस ये सब करने में ना पूरा दिन लग गया था दोस्तों, और बहुत हालत ख़राब हो गया था, और इस चक्कर में मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा चलो, और फिर ना ये वाला वीडियो मैं ना बाद में मैं डाल रही हूँ, क्योंकि मतलब और अभी मतलब जब भी हो जाएगा तो ये वीडियो डाल दूँगी एडिटिंग वगैरह, क्योंकि पहले ना फिर मैं एडिटिंग वगैरह पहले वो सब वीडियो कर ली थी, व्हाट्सएप डालती ये सब वाला, तो मैंने सोचा चलो पहले वो डाल देते हैं, और फिर इंगेजमेंट का भी था, व्हाट्सएप रात्रि वाला भी था, तो मैंने सोचा चलो डाल देते हैं, नहीं तो फिर ना व्हाट्सएप रात्रि वाला ज़्यादा दिन बाद डालने से ठीक नहीं रहता है। और ये वाला मैंने सोचा कि चलो मतलब आने के बाद का ये वीडियो है, तो इसलिए थोड़ा तो बस इसके लिए थोड़ा सा सॉरी दोस्तों। और अभी घर क्लीन हो गया है, सारा साफ सफाई हमने कर लिए हैं, और हालत तो देख ही रहे, और कहीं से आने के बाद ना बिल्कुल मन थका थका महसूस होता है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा थकावट हो रहा है। और फिर अभी के सारे कपड़े वगैरह में सारे धोने हैं, धीरे धीरे मैं करके धो रही हूँ, और मेरी बेटी भी हेल्प कर देती है थोड़ा बहुत, तो वो भी कर दी थी,
और बस फिर उसके बाद मैंने खाना पीना बनाया, और खाना तो बनाना जरूरी है, वो उस टाइम तो कुछ भी मंगा के हल्का फुल्का खा लिए थे, लेकिन बाद में फिर बनाया खाना पीना और तब जाके। और घर मतलब देखिए दोस्तों, अपना हो या किराए का हो, अपना घर मतलब आने के बाद ना अपने घर में सुकून मिलता है। और बस मुझे तो यहाँ आने के बाद सांस मतलब चैन का सांस मुझे मिला और अच्छा लगा अपने घर में। भूखे भी पड़े रहो ना तो अपने घर में अच्छा लगता है, तो मुझे तो यहीं पे ज़्यादा सुकून मिला। बस वहाँ आने के बाद मैं बहुत रिलैक्स हो गई हूँ अपने घर में, और काम भले ही करना पड़े लेकिन यहीं अच्छा लगता है। दोस्तों तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर करना भूलिएगा। दोस्तों बाय।